हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक बात, इसमें लेफ्ट राइट का मामला क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जैसे राम बाएं छोर से 17वां स्थान पर है, दाएं छोर से 20वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी देता है राम बाएं छोर से 15वां स्थान पर है, श्याम बाएं छोर से 12वां स्थान पर है, दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बीच वाला ही पूछता है। तीसरा टाइप में पूछता है, ऊपर नीचा देगा, टोटल पूछ लेगा, माने चार पांच तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले बेसिक बात को सीखेंगे, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हम लोग थ्योरेटिकल बात सीख लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए ना। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जब तक थ्योरी आपको नहीं देंगे तब तक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है, देखिए यार, रैंकिंग टेस्ट बहुत बढ़िया है एकदम। रैंकिंग मतलब समझते हैं ना, क्रमबद्ध, मैंने उसका क्रमांक को पहचानना है, बताना है कितने स्थान पर है, पोजीशन बताना है, समझ गए ना, क्या बताना है, पोजीशन। तो देखिएगा, एक बात पहले यहां समझिएगा, लेफ्ट और राइट का जो मामला है ना, उसको क्या बोलते हैं। अगर ये बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। इसको बोलते हैं क्या, बाएं, क्या बोलते हैं, बाएं। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट, दिखाई दे रहा है ना जी सर, दाएं, ये क्या हो जाएगा, दाएं। अब देखिए, इसमें फॉर्मूला जो होता है ना, कुछ बेसिक बात है, उसको पहले समझ लेते हैं। पहले हम लोग इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को बता देंगे, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को बता देंगे, दोनों वर्टिकल में हम आपको बताएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछता है टोटल बराबर, टोटल पूछेगा तो क्या कीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। अच्छा, एल से समझिएगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और आर से क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस वन। अभी कैसे होता है हम फॉर्मूला को आपको यहाँ पर प्रूव कर देंगे। चलिए, अगर आपसे बोलेगा राइट निकालने के लिए, तो टोटल प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट बोलेगा तो यहां से टोटल प्लस वन माइनस हो जाएगा राइट। अब यही चीज यहां पर देखिए, हिंदी वाले विद्यार्थी को लिखते हैं, यहां से बोलेगा कुल बराबर, कुल बराबर, तो क्या कीजिएगा, दाया, दाया प्लस बाया, बाया माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर दाया से पूछेगा, दाया से, दाया बराबर, तो क्या कीजिएगा, कुल प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, आपका बाया हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यार। अगर बाया से बोलेगा, बाया हाला नहीं कीजिए, कुल प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दाया। देखिए, इधर हिंदी वाले लिख दिए हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी को नोट कर लीजिए यहाँ पर क्या है मतलब, और इधर इंग्लिश वाले विद्यार्थी नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ टोटल बराबर, यहाँ टोटल तक कुल, तो लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट करके कोई दिक्कत नहीं है, दाया प्लस बाया माइनस वन हो जाएंगे। अब देखिए, यहां पर देखिए राइट बराबर, तो दाया बराबर, कुल प्लस वन, टोटल प्लस वन, क्या है आपका, वन है, क्या है आपका, वन है। चलिए, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट, यहाँ टोटल यानी कुल प्लस वन माइनस बाया कर देंगे, दाया पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ देंगे और बाया को घटा लेंगे। अगर बाया पूछेगा तो टोटल में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यहाँ पर एक है ही, ये आपका एक दिया गया है, मतलब एक जोड़ देंगे और ये चीज घटा लेंगे। ये था आपका पंक्ति में देगा तब, पंक्ति में देगा तब। अब देखिए, एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन से समझिएगा यहाँ पर कहने मतलब, जैसे क्वेश्चन में देगा क्या, देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में देखिएगा, एक पंक्ति में रमेश दाएं छोर से, माने दाएं छोर से, एक पंक्ति में रमेश दाएं छोर से राइट से पांचवा है, और लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से क्या है, छठा है, समझ गए। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, यही निकालना है। तो देखिए, दाएं छोर से जो है ना रमेश, दाएं से यानी राइट से जो है ना आपका कौन सा स्थान पर है, छठा पर है, दाएं छोर से क्या है, छठा पर है। लेकिन
लेफ्ट से बाएं छोर से रमेश, लेफ्ट से बाएं छोर से रमेश जो है ना, यानी लेफ्ट से है, बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है? छठा पे है। कौन सा स्थान पे है? यानी अच्छा, राइट से पांचवा था, राइट से कितना था? पांचवा था, और लेफ्ट से कितना था करना, मतलब लेफ्ट से आपका छठा है। तो गिनिएगा, बोले टोटल अगर आपसे बोलेगा विद्यार्थी निकालने के लिए तो क्या निकालेगा, तो आप कीजिएगा पांच प्लस छ, कुल निकालने के लिए टोटल 5 + 6 माइनस कितना कीजिएगा 1, यानी 11 - 1 = 10। 10 से क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। अब बोलिए सर 10 में जो आया, 11 में जो आया, एक काहे घटाए हैं, तो इस बात को समझिए। अब देखिए इस बात को यहां से समझिएगा, अगर मान लो छठा पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन पर क्या है आपका, यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन से लेफ्ट पर है क्या है, रमेश, ये छठा नंबर पोजीशन पर है का मतलब। अब राइट से दिया गया है 1 2 3 4, अब यहां देखिए 1 2 3 4 राइट से दिया गया 5, क्योंकि ईवी पोजीशन क्या है, पांचवा है। अब बताइए, अब देखिएगा एक ही पोजीशन को दो बार काउंटिंग कर लिए, ये 6 काउंटिंग किए 5 किए, अब आपसे टोटल पूछेगा तो कितना बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल विद्यार्थी होंगे, लेकिन आप काउंट कितना किए थे, 6 और 5 11, इसीलिए एक घटा देते थे, यानी एक नंबर को दो बार काउंट कर लिए, एक नंबर को क्या किए हैं आपने, दो बार काउंट कर लिए, इसलिए ही -1 यहां पर करते हैं। देखिए बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसको हम पूरा को मिटाकर एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको, लेकिन हाँ इसको थोड़ा आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिए सारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं क्या मतलब यहाँ पर। चलिए यहां पर जो टोटल पूछे था, टोटल आंसर कितना कर दीजिएगा, यानी कितना आया था 5 + 6 - 1, यानी 11 - 1 कीजिए कितना देगा 10, यानी आंसर आ जाएगा, पहला नंबर का आंसर था। लेकिन चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं क्या मतलब, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक बात सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए ना। अभी हम लोग पहला टाइप वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या, पहले यहां क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या मतलब। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, सॉरी यहां पर विद्यार्थी बना दिए, ये आपका किसर से है, लेफ्ट से है। चलिए राइट से इधर बना देते हैं, राइट से चलिए देखिए दिया गया है, इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी रमेश आपका रमेश बाएं छोर से छठा स्थान पर है, कितना पर है, छठा पर है। फिर दिया गया है रमेश बाएं से कौन सा स्थान पर, छठा पर है, 1 2 3 4 5 6। फिर दिया गया रमेश दाएं छोर से कौन सा स्थान पर है, रमेश दाएं छोर से कौन सा स्थान पर है, दाएं छोर से कौन सा स्थान पर है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 है। अब बताइए बोला गया है रमेश बाएं छोर से छठा स्थान पर है तथा दाएं छोर से छठा स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए क्वेश्चन में था रमेश दाएं से लेफ्ट से छठा स्थान पर है, राइट से कितना था स्थान पर है, राइट से भी छठा स्थान पर है, तो दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा कितना होगा 12, और -1 कीजिएगा बोलिए कितना हो जाएगा 11 क्या होगा आंसर आ जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना आएगा 11। ये तो आप फॉर्मूला से डायरेक्टली बना दिए, अब देखिए 11 यहां पर फॉर्मूला से बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, अब आप बोलिएगा सर 6 + 6 टोटल तो 12 हो गए, टोटल कितने हो गए 12, लेकिन आपने तो 11 आंसर लाया, तो 11 ही आंसर होगा। देखिए ना
आप एक नंबर को दो बार काउंट कर लिए, एक नंबर को क्या किए दो बार काउंट कर लिए, ये दोनों जो व्यक्ति बैठे लगे ना, मतलब यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ये टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा आपका गाड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए माइनस वन करते हैं। बात समझ में आ गई ना। और इसी तरह पूछता है ऊपर नीचे अप डाउन, अप डाउन वाला भी समझ जाइए। हम लोग क्या करेंगे टोटल में जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, समझ गए ना, टोटल में क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, कहने का मतलब। चलिए अप डाउन वाला भी समझ लीजिए, कहने का मतलब अप डाउन वाला भी फॉर्मूला इसी तरह होता है, उसको समझते हैं कहने का मतलब। पहले हम लोग समझेंगे, देखिए अगर टोटल पूछेगा कभी कभी देता है पंक्ति में, ऊपर से स्थान कितना है सातवां है, नीचे से स्थान कितना है, नीचे से स्थान पांचवा है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इसमें कीजिएगा सात प्लस पांच यानी बारह और माइनस एक हो जाएगा, कितना ग्यारह को विद्यार्थी आ जाएंगे, माने ऊपर में इसी तरह भी बनेगा जैसे पिछला वाला हम लोग क्वेश्चन बनाया है ना। अभी क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है इस लिख देते हैं, यहां दिखाई देगा ना, टोटल बराबर अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन, अब माइनस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, समझ गया ना। अगर आपसे बोलेगा केवल अप बराबर, तो टोटल प्लस वन और माइनस क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, समझ गया ना। अगर आपसे बोलेगा डाउन बराबर, तो टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन कीजिएगा और इधर माइनस क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ये तो खैर ऊपर नीचा वाला था, जैसे मान लेते कोई किताब में देगा पंक्ति में देगा ऊपर नीचा, तो ऐसे आप बना लीजिएगा, समझ गए ना, ऊपर नीचा देगा इसी टाइप से क्वेश्चन था, ऐसे बना लीजिएगा। लेकिन जब एक पंक्ति में देगा, एक पंक्ति में देगा ना, एक पंक्ति में देगा, समझ गए ना, एक पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हम लिखवा दिए थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट बराबर टोटल प्लस वन माइनस हो जाएगा राइट, राइट बराबर टोटल प्लस वन माइनस हो जाएगा लेफ्ट। ये तीन गो फॉर्मूला इसका था और तीन गो फॉर्मूला इसका था, पूरा आपका चैप्टर इसी पर समाप्त हो गया, समझ गए ना। इसमें आप हल्ला नहीं कीजिए, इसमें आप तीनों टाइप का क्वेश्चन आसानी तरीके से बना लीजिएगा। हाँ, एक बोथ वाला भी आता है, तो बोथ वाला भी बता देंगे, समझ गए ना। इसके बाद पहले इस पर हम लोग पांच सात क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, समझ गया ना। क्वेश्चन लगाने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड पर लगा हुआ, तीन नंबर क्वेश्चन का है मतलब। अरे हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग। चलिए तीन नंबर जो क्वेश्चन है ना बोर्ड पर लग गए होंगे, लिखा है तीन नंबर क्वेश्चन, एक बार पढ़िएगा। देखिए तीन नंबर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, दिए गए हैं महेश, महेश बाएं छोर से सातवां स्थान पे हैं, महेश बाएं छोर से यानी कौन से है लेफ्ट से, देखिए इंग्लिश हिंदी में लेने कोई दिक्कत ना होगा, लेफ्ट मतलब बायां होता, समझते रहेगा, यानी बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है सातवां पर है, और दाएं से बढ़ावा स्थान पे है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखिए हम आपको बताए हैं, देखिए महेश जो है ना आपका कहने मतलब महेश नाम का विद्यार्थी है, तो यानी बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है सातवां, अरे हल्ला मत ना करो, बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है सातवां पर है कहने मतलब, और उसके बाद क्या दिया गया कहने मतलब, फिर दाएं छोर से बढ़ावा स्थान पे है, दाएं छोर से कौन सा स्थान पे है राइट से दिया गया है महेश यानी बढ़ावा स्थान पे है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल बराबर फॉर्मूला क्या था लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, अब कीजिए कितना सात प्लस बारह और इस जगह माइनस वन यानी उन्नीस माइनस एक बराबर अठारह हो जाएगा, अठारह क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझे ना। आप इसी टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। हाँ एक बात तो और, एक कहे घटाते हैं पिछला बड़ा हम क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीका से बता दिए हैं, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या मतलब आगे आपका क्वेश्चन देखिएगा, चार नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए, क्या मतलब चार नंबर क्वेश्चन दिए हुए क्या कहने मतलब देखिएगा, चार नंबर क्वेश्चन है, पचास विद्यार्थियों के समूह में, टोटल विद्यार्थी कितना दिया गया, पचास विद्यार्थियों के समूह में महेश ऊपर से
43वां स्थान पे हैं। महेश ऊपर से, यानी देखिए ऊपर से दिए गए हैं करें मतलब, ऊपर से 43वें स्थान पे है करें मतलब, यानी आपका दिया गया है ऊपर से, यानी ऑफ से होगा, क्या हुआ ऑफ बराबर 43वां दिया गया है, तो नीचे से कौन से स्थान पर होंगे, यानी डाउन से पूछे गए हैं नीचे से कौन से स्थान पर होंगे। यानी देखिए टोटल जो विद्यार्थी की संख्या कितना दिया गया है, टोटल जो विद्यार्थी है कहने मतलब टोटल विद्यार्थी जो है कितना दिया गया है 50 है, टोटल कितना है 50 है, तो दिया गया है ऊपर से 43वें स्थान पर, ऊपर से कितना पर है तो मान लेते हैं 43वें स्थान पे है, तो नीचा से कौन से स्थान पर होंगे, समझ ना नीचा से पूछा जा रहा है। तो बोलिए डाउन बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं हम, डाउन बराबर टोटल प्लस वन माइनस ऑफ हो जाएगा, तो टोटल कितना है 50 प्लस 51 और माइनस कितना हो जाएगा, कितना है 43 ना है, 43 है, तो बोलिए 51 माइनस 43 बोलिए कितना हो जाएगा, 51 में से 43 को घटाइए मतलब 7 इधर हो जाएगा 8, यानी 8 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह करने मतलब, पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, दिया गया था यहां पर एक एक पंक्ति में कहने का मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे 50 दिए गए थे और ऑफ से 43 था, यानी ऊपर से कितने थे 43 दिए गए हैं, उसके बाद नीचा से उसका पोजीशन क्या होगा, तो डाउन बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्लस वन और माइनस ऑफ होते हैं, तो टोटल प्लस वन कीजिएगा तो 50 प्लस 51, 51 में से 43 को घटा दीजिए, 51 में से 43 को घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 क्या हुआ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एकदम बढ़िया से वीडियो के रोक रोक को समझ समझ के अच्छे तरीके से बनाइए और हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए होंगे 5 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है घनश्याम, घनश्याम राइट से यानी दाएं से, राइट से जो है दाएं से 19वां स्थान पे है तथा बाएं से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से 25वां स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी आपसे पूछ रहा है टोटल, टोटल बराबर क्या होगा, तो हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए घनश्याम जो है ना राइट से, राइट से जो है घनश्याम का पोजीशन जो है यहां पर देखिएगा, घनश्याम जो है राइट का पोजीशन जो है 19वां है, लेकिन फिर घनश्याम का पोजीशन लेफ्ट से दिया गया है, लेफ्ट से कौन सा है, लेफ्ट से दिया गया है 25वां, कितना दिया गया 25वां, तो आपसे पूछ रहा है पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बताए थे। चलिए अब देखिए लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 25, राइट से कितना है 19, अब माइनस कितना हो जाएगा 1, चलिए 9 और 5 कितना होता है कहने का मतलब 9 और 5 14 के 4 कैरी कितना बचा 1, 2 और 1 3 कैरी कितना हो जाएगा 1 4, कितना हो जाएगा यानी 25 19 44 हो जाएगा, माइनस 1 कर दिया यानी 43 आंसर आएगा। एक पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे तो 43 विद्यार्थी थे, समझ गए ना। देखिए घनश्याम दाएं छोर से 19वां स्थान पर है तथा बाएं छोर से 25वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कभी लेफ्ट से देगा कभी राइट से देगा तो टोटल पूछ लेगा, कभी टोटल देगा तो लेफ्ट देगा तो राइट पूछ लेगा, राइट देगा तो लेफ्ट पूछ लेगा, यानी तीन तरह से चार तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं एकदम बेसिक वाली बात, कभी कभी क्वेश्चन देता है बीच वाला भी, कभी कभी देता है कि पोजीशन आपस में घनश्याम रोहन बदल लेते हैं तो उसके बीच करने के बाद कितने विद्यार्थी बैठेंगे, तो पहले समझिएगा यहां से, हमको यहां पर टोटल निकालना था तो टोटल निकाल दिए, टोटल कितना गया है, टोटल बराबर फॉर्मूला होता है दाएं प्लस बाएं माइनस वन, 25 19 को जोड़िए 44 आ जाएगा, एक घटा दीजिए 43, आपका क्या हुआ आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं। वीडियो कितने मिनट हो गया है? 20 मिनट। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, वीडियो अभी टाइम है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं कि दिक्कत होता अपलोडिंग में, समझ गए ना? इसलिए इधर दिखाई दे रहा है ना 6 नंबर? जी सर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए एक कतार में 60 विद्यार्थी हैं, कोमल का स्थान नीचा से 32वां है, तो ऊपर से कौन सा स्थान हुआ? चलिए देखिएगा, एक कतार में टोटल विद्यार्थी कितना दिया गया है? एक कतार में टोटल विद्यार्थी दिया गया है 60 दिया गया है। चलिए, और बोला गया है कमल का स्थान, कमल समझ गया ना, कमल का स्थान कहां से दिया गया है? नीचा से कितना दिया गया है बोले था? क्या था वो? नीचा से, डाउन से कितना दिया गया था? डाउन से 43वां दिया गया था। डीएन हो गया था, यूएन लिख। चलिए, इन्हें डाउन से दिया गया है, अच्छा डीएन हो जाएगा। चलिए, डीएन का मतलब देहरादून मत पढ़िएगा, यूपी का मतलब यूपी मत जानिएगा, समझ गया ना, यूपी बिहार वाला नहीं है। अप डाउन, अप डाउन, देखिए यहाँ पर आपका बटन भी होता है वो, लेकिन नहीं हम यहाँ पर समझेंगे, सिंपेटिक बात है, जो चीज आपको समझ में आ जाएगी वही आपके लिए आसान बनेगा, समझ गया ना। इसलिए देखिए, क्वेश्चन बने या ना बने तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, समझ गए ना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए दिया क्या गया है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, अपने आप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, समझ गए ना, क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा। एक कतार में 60 विद्यार्थी हैं, कमल का स्थान नीचा से 43वां है, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा? यानी ऑप से पूछा है, ऑप से बोलिए, अब बताइए यहां पर कोई विद्यार्थी बोलेगा डीएन का मतलब देहरादून, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। भाई मेरे, यूपी देहरादून नहीं है ना उत्तर प्रदेश है, यहां पर आपको मिलेगा डाउन, यह है आपका ऑप, इतना बात जानिएगा, समझ गए ना। चलिए, एक कतार हम बनाते हैं, एक कतार जो है, एक कतार में टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, एक कतार में टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है कितना दिया गया है? 60 दिया गया। कितना है? 60 दिया गया। कमल का स्थान नीचे से 43वां है, कमल का जो स्थान है ना, कमल, चलिए कमल का स्थान नीचे से जो है 43वां है, समझ गए ना, कितना है? 43वां है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा? तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा? चलिए फॉर्मूला बताए थे अप बराबर, तो क्या बोलिएगा? टोटल प्लस वन और माइनस क्या होगा? डाउन। चलिए टोटल कितना है बुआ मेरे, टोटल कितना है यहाँ? 60 है, तो 60 प्लस वन और माइनस कितना हो जाएगा भाई? 43 हो जाएगा, यानी 61 माइनस 43, अब घटाइए 11 में से 3 गया तो कितना होगा? 8, और ये कितना बचेगा? 5, 5 में से 4 गया 1, 18, ठीक है ना, 18 होगा ना, चलिए ठीक है, 18 क्या होगा? इसका ऊपर से पोजीशन हो जाएगा, ऊपर से कौन सा पोजीशन होगा? 18, नोट कीजिए, यानी आपका जो है ना कमल का स्थान ऊपर से कौन सा होगा? 18वां होगा, बात समझ में आ गई होगी क्या मतलब? चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा पीछे जाकर, समझ गए ना, क्योंकि यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है ना वीडियो के शूट करने के बाद एडिटिंग किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको बस यही दिख रहा है, समझ गए ना, जो आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है वीडियो की एडिटिंग के बाद होता है वो सब चीज, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा क्या मतलब, और बात समझ जाइएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी, 7 नंबर क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा अच्छे से गौर फरमाइएगा, दिया गया है दीनानाथ, 7 नंबर क्वेश्चन में है दीनानाथ, बाएं से यानी बाएं से दिया गया, लेफ्ट से 17वां है और राइट से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दीनानाथ लेफ्ट से 17वां स्थान पे है तथा राइट से 15वां स्थान है, तो
तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? चलिए देखिए, दीनानाथ जो है ना एक विद्यार्थी है, लेफ्ट से दिया गया है दीनानाथ, कहने का मतलब दीनानाथ, नाथों के नाथ दीनानाथ, समझ गए ना, दीनानाथ आपका दिया गया है, कितना दिया गया, अच्छा रुक जाइए यहां पर, यहां देखिए दीनानाथ जो है ना आपका दिया गया है, कहने का मतलब लेफ्ट से कौन सा स्थान पर है, कहने का मतलब लेफ्ट से कौन सा स्थान पर है, सत्रहवा स्थान पर है, कितना पर है, सत्रहवा पर है। फिर बोला गया राइट से पंद्रहवा स्थान पर है, राइट से जो है ना, राइट से इधर दिखाई दे रहा है ना, अब दे रहा होगा, पंद्रहवा स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट अब माइनस हो जाएगा वन, यानी 17 प्लस 15 अब माइनस कितना हो जाएगा वन। अब देखिएगा 7 5 12 2 कैरी एक, हाथ में लागल एक ना कैरी एक, यहां से एक हो जाएगा, 7 5 12 2 कैरी कितना हुआ एक, एक एक दो और एक कितना हो जाएगा 3, 32 में से एक को घटा दीजिए कितना आया 31, 31 क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले टाइप में तीन तरह हम आपको समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं और सिखा भी दिए हैं, कभी ऊपर देगा कभी नीचा देगा तो टोटल आपसे पूछ लेगा, या कभी टोटल देगा कतार में ऊपर देगा तो डाउन पूछ लेगा आपसे, कहने मतलब या तो टोटल देगा अप देगा तो डाउन पूछ लेगा, डाउन देगा तो अप पूछ लेगा, और पंक्ति में लेफ्ट देगा राइट देगा तो टोटल आपसे पूछ लेगा, समझ गए ना, या राइट दिया और टोटल दिया तो लेफ्ट से आपसे पूछ लेगा, या टोटल दे दिया राइट दे दिया तो लेफ्ट आपसे पूछ लेगा, समझ गए ना, या टोटल दे दिया लेफ्ट भी दिया तो राइट आपसे पूछ लेगा, यानी सारे तरीके क्वेश्चन समझ गए, इसमें क्वेश्चन ही बना लिए। अगला टाइप जो है ना दो नंबर वाला टाइप समझिएगा, कहने मतलब थोड़ा यहां से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है बोथ वाले समझाते हैं, इनमें एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, वीडियो का भी टाइमिंग है, कितना मिनट हो गया वीडियो, हो गया 27 मिनट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझ लेगा, पहले बेसिक बात को समझिएगा, दिया गया है देखिए, दिया गया है क्या, मोहन 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 जो है ना बाएं छोर से 9वां स्थान पर है, मोहन जो है बाएं छोर से कितना स्थान पर है, 9वां स्थान पर है मोहन जो है बाएं छोर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हुआ 9 हो गया, 9वां स्थान पर है। फिर बोला गया है सोहन सोहन बाएं छोर से 6ठा स्थान पर है, यानी पहला हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये छठा स्थान पर है, तो आपसे पूछेगा ये दोनों के बीच में, यानी कहने का मतलब मोहन और सोहन के बीच में कितने विद्यार्थी है, समझ गए ना। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, यहां समझिएगा, लेफ्ट से दिया गया है मोहन 9वां स्थान, फिर लेफ्ट से दिया गया है सोहन 6ठा स्थान, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, और 3 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना का 2 व्यक्ति, यानी बीच में जो बैठेंगे 2 व्यक्ति बैठेंगे, कैसे बैठेंगे यहां पर देख लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये जो बैठा है ना, ये मोहन बाएं से लेफ्ट से दिया गया, क्या दिया गया लेफ्ट से, फिर मोहन बाएं से 9वां स्थान पे है, फिर सोहन बाएं से 6ठा स्थान पे है, यानी लेफ्ट से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी यहां पर 6 आ जाएगा, 6 का मतलब तब यहां ऐड हो जाएगा, देखिए अब यहां 6 जो है, 6 मिला ना, ये 6 मिल गया, कहने मतलब यहां पर 6 है, अब बताइए इसके बीच में यहां पर क्या है आपका, कहने मतलब यहां पर आपका सोहन बैठा है, ये क्या है सोहन और ये क्या है मोहन, तो सोहन और मोहन के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो देखिए एक विद्यार्थी यहां बैठे हैं और एक विद्यार्थी यहां बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं 2 विद्यार्थी, 7 और 8 बैठे हैं, लेकिन ये तो इमेजिंग का कहलाए हैं, ये क्या कहे हैं आप, फॉर्मूला से नहीं बनाए, आप इसको डायग्राम से बना कर लाए, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो क्या डायग्राम बनाना जरूरी है, नहीं, काहे नहीं जरूरी है, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया था यहां पर मोहन, मोहन था, कहने का मतलब मोहन जो था बाएं से 9वां स्थान था,
मोहन बाएं से क्या था नौवां स्थान, सोहन जो था बाएं से छठा स्थान, कितना था छठा। तो बताइए दोनों जब रहेगा लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, छ में से नौ गया कितना बचा तीन, तीन जो आया ना तीन, तीन में से एक घटा दीजिएगा, तीन में से एक गया दो, हमेशा क्या होगा अलवेज दो। हाँ बोलिएगा सर हमेशा एक घटाना है, बिल्कुल घटाना है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी तो बता दिए सात है आठ है, यही तो दो व्यक्ति है जो इसके मोहन और सोहन के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये आपका दो नंबर का टाइप हुआ। कभी कभी देखता है ई मोहन, ये मोहन कुदुक पर इसके स्थान पर आ जाता है, इस सोहन कुदुक के इसके स्थान पर चला जाता है, जब स्थान परिवर्तन करेगा तब दाएं से मोहन का स्थान क्या होगा, बाएं से सोहन का स्थान क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग दूसरा पार्ट में वीडियो को हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग इस बात को सीख जाएंगे बोथ वाला। चलिए एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को एक और प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा जाएगा तो जाने देना। अब ये बात को समझा दिए तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है क्या कहने का मतलब, देखिए क्वेश्चन में है जो नंबर क्वेश्चन होगा नौ नंबर नोट कर लीजिएगा। नेहा नेहा लेफ्ट से, नेहा जो है ना नेहा लेफ्ट से, लेफ्ट से कौन सा स्थान पर है, लेफ्ट से दिया गया है बारहवां स्थान पर है, और यहां पर दिया गया है रानी, रानी लेफ्ट से दिया गया है, रानी जो है ना लेफ्ट से दिया गया है आपका आठवां स्थान पे है, तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए पहले इसको हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे, बारह में से आठ गया चार, चार में से एक गया कितना हुआ तीन, तीन क्या होगा ऑलवेज आंसर हो जाएगा, तीन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये हम लोग कैसे बनाए हैं, फॉर्मूला से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं फॉर्मूला से बनाए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझते हैं बेसिक बात। देखिए बेसिक बात क्या समझते हैं, नेहा जो है ना नेहा आपका लेफ्ट से दिया गया है कौन सा स्थान पर, बड़ा स्थान पर है, तो देखिएगा एक है दो है तीन है चार पांच छ सात आठ नौ दस, दिखाई देगा इधर, इधर दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छा चलिए इधर से बनाते हैं, इस बात को समझ गए हैं कोई दिक्कत नहीं, नीचा दिखाई देगा, नीचा दिखाई देगा ना जी सर, चलिए यहां बनाते हैं, यहां देखिए दिया गया है यहां नेहा है, क्या है नेहा है, नेहा लेफ्ट से दिया गया है, लेफ्ट से, लेफ्ट से कौन सा स्तंभ है बड़ा हुआ पड़े, तो देखिए एक हो जाएगा दो हो जाएगा तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बड़ा स्थान पर है। चलिए फिर दिया गया है यानी रानी लेफ्ट से आठवां स्थान पर है, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दिया जी सर, आठवां स्थान पर है, तो देखिएगा एक एक हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, देखिए आठ रानी यहां पर है और नेहा यहां पर है, नेहा ये है और रानी यहां पर है, तो आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है, यानी देखिए यहां पर आपका क्या है रानी दिया गया है और ये क्या है नेहा, दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी था, एक नौ है एक दस है एक ग्यारह है, देखिए तीन आया था ऊपर में सर, ऊपर में कितना आया था तीन, यही तीन विद्यार्थी है, ये जो है ना आपका तीन विद्यार्थी दिया गया है, यही जो है तीन विद्यार्थी इसके बीच में बैठे गए हैं। चलिए ये बात समझ में गई, लेकिन आप कब तक बनाइएगा कहने मतलब ये चीज को, कहने मतलब आप एग्जाम में तक कहने का मतलब डायग्राम से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका एक एक सेकेंड काफी इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा ये वाला इससे बना लीजिएगा, समझ गए ना ये वाला से, नहीं तो बक्सा वाला भी बात यही है, एपेक्स बक्सा वाला जो है ना बड़ा प्रचलित है, प्रचलित क्या है देखिए नेहा जो था लेफ्ट से कितना दिया गया था, नेहा लेफ्ट से कितना था बड़ाहवा था, बड़ाहवा पोजीशन पर, और रानी लेफ्ट से कितनी थी आठवां पोजीशन पर, दोनों का अंतर बताइए कितना जगह अंतर, घटा दीजिए कितना का है चार का है, चार में से एक घटा दीजिए कितना जगह तीन, बीच में कितने व्यक्ति थे, बीच में व्यक्तियों की संख्या तीन, क्या होगा आंसर हो जाएगा ये आपके बक्स होगा सर, कहां चार का होगा, चलिए यहां पर आपका क्या होगा तीन आंसर हो जाएगा, तीन क्या होगा यहां पर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, एक दो तीन, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ना मतलब तीन, बीच में कितने व्यक्ति, अच्छा कहां तक ले था बारह तक ला था जी, ठीक है बारह,
हाँ बारे को थोड़े लेना कहना, मतलब बारे तक था, बीच में पूछा है एक दो तीन, तीन यहाँ तीन आया था ना, यहाँ भी फॉर्मूला से बनाया है, फॉर्मूला से बनाया तीन आया था और वहां भी तीन आया था। चलिए आज के क्लास में ही तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।